एक कम्युनिकेशन का सोर्स है किन के बीच में, दो पर्सन के बीच में। देखिए, आप जैसे ही मेरा वीडियो देख रहे हो, जो आपको इसमें मैं बोल रहा हूँ वो मैं किसके जरिए बोल रहा हूँ, वो आपको लैंग्वेज के जरिए से बोल रहा हूँ। और आप जो पढ़ रहे हो वीडियो में वो किसके जरिए है, वो लैंग्वेज के जरिए है। यानी कि लैंग्वेज या भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें है क्या, आइए जानते हैं। ठीक है, टू इन्फॉर्म। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज का हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, इन्फॉर्म करने के लिए। देखिए, लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज ए मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। देखिए, दो पर्सन, जिसमें टू पर्सन या दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं, जो दो पर्सन हैं, उनके बीच में आपस में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है वो किसके द्वारा चेंज की जाती है, वो एक्सचेंज की जाती है लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड से किसी से बात करोगे तो आप कैसे बात करोगे, आप उसमें लैंग्वेज का यूज़ करोगे, लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा। देखिए, लैंग्वेज का कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, बुक्स में, मैगजीन में। अगर आप कोई बुक्स पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई पोस्टर देखते हो, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा, इसमें क्या है, आपको जो चीज़ें आप देखते हो उसमें आपको लैंग्वेज, आप मान लीजिए आप टीवी पे कोई फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको जो उसमें जो फिल्म होगी या मूवी होगी, कुछ भी होगा, सीरियल होगा, कुछ भी, तो वो लैंग्वेज में होगा। ठीक है, आप रेडियो पर कोई खबर सुनते हो, कुछ सुनते हो, उसमें आपको जो चीज़ बताई जाती है वो लैंग्वेज के माध्यम से होती है ना वो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन एज द मीनिंग वी डिराइव फ्रॉम वर्ड्स, एक्शन, जेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन अवर लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज को बोलते समय क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे वर्ड्स, यानी कि लैंग्वेज में हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन, हमारे जेस्टर होता है, जैसे हाथों के जेस्टर, ठीक है, वो आ जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन हो गया कि हमारा जो, मतलब कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आ जाएगी। तो कहने का सिंपल ये मतलब है जी, लैंग्वेज को करते समय हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन, हमारे जेस्टर और हमारा फेशियल एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, अगर आपको कोई शाबाशी दे, ठीक है, आपकी प्रेज करे, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो आप थोड़ा सा शर्मा जाओगे, है ना, आपको खुशी होगी। आपको कोई गाली निकालने लग जाए तो आप गुस्सा हो जाओगे। यानी कि एक तरफ भाषा का प्रयोग करके, लैंग्वेज का प्रयोग करके, जब आपको कोई आपकी प्रेज करता है, ठीक है, तो आपको खुशी होती है। आपको कोई गालियां देता है लैंग्वेज का प्रयोग करके, तो उसमें क्या है, आपको गुस्सा आता है। तो कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ है लैंग्वेज। पर्सन्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन विल ड्राइव कॉमन मीनिंग ओनली इफ़ देयर इज़ ए कॉमन लैंग्वेज। मिसकम्युनिकेशन में अराइज इफ दे डू नॉट नो ईच अदर लैंग्वेज। देखिए, मिसकम्युनिकेशन कहाँ होगा, मान लीजिए कि आपको हिंदी आती है, तो आप चले गए चाइना घूमने, चाइना घूमने जाओगे तो आपको वहाँ पे चाइनीज भाषा तो आएगी नहीं, तो आप किसी से बात कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो अगर बात नहीं कर पाओगे तो वो हो जाएगा मिसकम्युनिकेशन। अगर आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कुछ भी भाषा नहीं आती, तो वहाँ पे जाके आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको भूख लगेगी खाने के लिए, तो आप कैसे पाओगे आपको क्या चीज़ खानी है। ठीक है, ना वो आपकी बात समझ पाएगा, ना आप उसकी बात समझ पाओगे। तो इसमें क्या है, आपको एक चीज़ आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, एक बेस्ट कम्युनिकेशन होता है लैंग्वेज से। लैंग्वेज नहीं आएगी तो इससे क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये तो आ गया इन्फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस। लैंग्वेज इज़ आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस, फीलिंग, मेंटल स्टेट एट्सेट्रा। देखिए, लैंग्वेज क्या है, इससे क्या है, हम अपने इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं। ठीक है, आपको कोई दुख हो, आपको कोई खुशी हो, तो आप उसको दूसरों के सामने रखोगे, दूसरों को बताओगे, तो वो किसके जरिए बताओगे, वो बताओगे ना लैंग्वेज के जरिए बताओगे। अब आपको कोई खुशी है तो आप बताओगे ना कि आपको खुशी क्यों है, वो आप जो चीज़ें बताओगे वो लैंग्वेज के जरिए में बताओगे। वी यूज इट टू एक्सप्रेस अवर हैप्पीनेस, सोरो, एंगर और फियर। अगर हमें कोई गुस्सा है, कोई दुख है, कोई खुशी है, कोई डर है, तो हम कैसे बताएंगे, वो इसके जरिए बताएंगे, लैंग्वेज के जरिए से। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू अराउज इमोशंस और फीलिंग इन द अदर पर्सन, लाइक ए मोटिवेशनल स्पीच। ठीक है, जैसे आपको किसी को मोटिवेशनल स्पीच देनी हो,
ठीक है, जैसे ही आपको कोई समझा रहा है या आप किसी को समझा रहे हो, वो आपकी बातों को समझ रहा है, आप टीचर की बातों को, अपने पेरेंट्स की बातों को समझ रहे हो, तो उसमें कौन सी चीज़ का प्रयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, वो हो रहा है लैंग्वेज का। तो नेक्स्ट है टू डायरेक्ट। लैंग्वेज इज ऑल्सो मीन फॉर डिस्पेंसिंग डायरेक्शन, कमांड्स, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट टू अदर पर्सन। देखिए, डायरेक्ट का मतलब है यहाँ पे अगर आपको किसी को डायरेक्शन देना है, कुछ बताना है, कुछ कमांड देना है, कुछ रिक्वेस्ट करना है या किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, तो आप कैसे दे पाओगे? आप किसी को लैंग्वेज के जरिए ही बता पाओगे। ठीक है, आप ये कहोगे ना कि भाई अगर आप इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्या है, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ये किसके ज़रिए दे रहे हो? ये आप दे रहे हो लैंग्वेज के जरिए। ठीक है, दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड टू बी ट्रू और फॉल्स। लैंग्वेज के जरिए आप जो भी कुछ कहोगे वो ज़रूरी नहीं होगा, वो हमेशा सही ही होगा। वो सही भी हो सकता है यानी कि ट्रू भी हो सकता है, और फॉल्स भी यानी कि गलत भी हो सकता है। दिस कैन बी द इन द रिटन ऑन द ओरल फॉर्म इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, ये रिटन फॉर्म में भी है, ओरल फॉर्म में भी है। अब जो आपको मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये आपको पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये ओरल फॉर्म में लैंग्वेज है। जो आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो वो क्या है, वो रिटन फॉर्म में लैंग्वेज है। दोनों में लैंग्वेज सेम है, एक ओरल है जो मैं बोल रहा हूँ, एक रिटन है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये गो टू डायरेक्ट। अब देखिए, टू आस्क, लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज इन आस्किंग क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन कैन बी इन रिटन फॉर्म एज इन बुक्स, पेपर, टेस्ट एट्सेट्रा, और इन द ओरल फॉर्म। वही बात आ गई कि लैंग्वेज जो है क्वेश्चन पूछने के लिए काम आती है। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो रिटन में भी हो सकती है, लैंग्वेज जो है वो ओरल भी हो सकती है। कोई बुक्स है, पेपर है, टेस्ट है, कुछ भी है, अगर आप उसमें कोई चीज़ पढ़ते हो, उसमें आपको कुछ खास चीज़ लिखी होगी, क्या है उसमें? लैंग्वेज। लैंग्वेज में होता है ना कि आपको, जैसे आप यूजीसी की बुक लेना चाहते हो तो आप हिंदी मीडियम में ले सकते हैं कि आपको हिंदी में सब कुछ लिखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में लोगे तो आपको इंग्लिश में लिखा होगा, है ना। तो नेक्स्ट है टू एवेल्युएट। लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी यूज टू एवेल्युएट एंड एक्सप्रेस अवर जजमेंट। ठीक है, लैंग्वेज का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें कोई जजमेंट करनी हो, किसी चीज़ को एवेल्युएट करना हो, यानी कि किसी चीज़ का मूल्यांकन करना हो। ठीक है, अगर अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है, ठीक है, यानी कि दो पर्सन है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, एक कोर्ट है, वहाँ पे एक जज बैठा है, दो वकील हैं, एक वकील झूठ बोलेगा, एक वकील सच बोलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जज जब दोनों की दलीलें सुन के अपना जो फैसला, अपना जो जजमेंट देगा, वो कैसे देगा? वो देगा लैंग्वेज के आधार पे। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ जजमेंट करनी है किसी चीज़ की, तो हम वो करेंगे, अपना जजमेंट हम कैसे सुनाएंगे, वो सुनाएंगे लैंग्वेज के जरिए। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज फॉर एवेल्यूएशन, यानी कि एवेल्यूएशन करने के समय हम तीन प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एथिकल, एस्थेटिक एंड टेक्निकल। एथिकल लैंग्वेज क्या है? एथिकल लैंग्वेज इज यूज फॉर स्टेटिंग द राइट एंड रॉन्ग, राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए, एथिकल लैंग्वेज मतलब होता है सभ्य भाषा। ठीक है, एथिकल लैंग्वेज में क्या है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो वो हो गया एथिकल लैंग्वेज। एस्थेटिक लैंग्वेज क्या है? इज़ यूज टू टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स लाइक ब्यूटी एंड अगलीनेस। अगर हम किसी चीज़ की सुंदरता या किसी चीज़ के गंदेपन के बारे में, ठीक है, जो बदसूरत है, किसी चीज़ की ब्यूटी के बारे में, किसी चीज़ की अगलीनेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वो किस में आएगा? एस्थेटिक लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? यूज फॉर असर्टिंग द यूजफुलनेस। कोई चीज़ हमारे काम की है, उसको हम बताएंगे टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एथिकल, स्टैटिक और टेक्निकल, ये आपको पेपर में आ सकता है। तो अदर यूजर, देखिए अदर यूजेस क्या है, ये लास्ट पॉइंट है। लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन अदर वे सच एज कॉन्ग्रेचुलेट, अपोलोजाइज, अफर्म एक्शन, मेक ए प्रॉमिस एक्सेट्रा। ठीक है, अदर लैंग्वेज क्या है कि देखिए, अगर आप भाषा का प्रयोग, लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो किसी को बधाई देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, अपोलोजाइज, किसी से माफ़ी मांगने के लिए, या कुछ भी एक्शन करते हो, या किसी आप वादा करते हो, तो आप किसके जरिए करोगे? लैंग्वेज से। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि लैंग्वेज के बिना इंसान जो है वो जानवर के समान है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि जानवर किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि उनमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, ऐसे ही अगर इंसान जो है, ठीक है, बात करना बंद कर दे तो उनमें उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक चीज़ कॉमन है, हमें भाषा आती है। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दूसरों के सामने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। तो किसके जरिए बताएंगे? लैंग्वेज के जरिए ही बताएंगे, चाहे हम लिखें चाहे बोलें, वो इसमें कॉमन चीज़ क्या है? लैंग्वेज। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।